हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कजाकिस्तान, लाइक आपको हॉस्टल और अपार्टमेंट में रहने में कितना खर्चा आएगा कजाकिस्तान में। तो ये ऐसा है कि इसमें डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी ये प्राइस वेरी करेगा। तो इन जनरल आप एस्टिमेट कर लेना कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी में कितना प्राइस आएगा। जैसे कि टीयर वन सिटी आप कंपेयर कर सकते हो, टीयर वन सिटी लाइक दिल्ली मुंबई टीयर वन सिटी में रख सकते हो। तो वैसे ही है यहाँ पे अलमाटी एंड अस्ताना टीयर वन सिटी, एंड टीयर टू सिटी आप मान सकते हो जयपुर को, उदयपुर को। सेम ये टीयर टू सिटी में आपको आ जाएगा अक्तोवे, सेमी, कारागंदा, लाइक दिस सिटीज़। तो ये वीडियो दो सेक्शन में है। एक सेक्शन है बहुत सामने से धूप आ रहा है, तो ये वीडियो दो सेक्शन में है, एक अपार्टमेंट के बारे में है और एक दूसरा हॉस्टल के बारे में है। तो सबसे पहले अपार्टमेंट के बारे में मैं बताता हूँ कि अपार्टमेंट कॉस्ट कैसा है। तो देखो, जो भी रशियन रीजन है, इधर वाला रीजन, इधर पे 1 BHK 2 BHK वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 बेडरूम हॉल किचन वाला। इधर पे ये कॉन्सेप्ट है कि 1 BHK को ये लोग 2 रूम बोलते हैं, मतलब कि एक बेडरूम होगा और एक हॉल होगा, उस हॉल में सोफ़ा कम बेड होगा, तो आप वहाँ रह सकते हो। तो इसके हिसाब से आप देख लेना 1 BHK और 2 BHK। मैं यहाँ के हिसाब से बोलूँगा तो 2 रूम मतलब 1 BHK। तो शुरू करते हैं अपार्टमेंट से। तो अपार्टमेंट टू रूम अपार्टमेंट कॉस्ट आपको आ जाएगा अराउंड 1,20,000। सॉरी, 2 रूम अपार्टमेंट आपको कॉस्ट आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैप सेंटर से। सेंटर में आपको लाख टेंगे में आ जाएगा, जो जिसका आपको INR नीचे आ रहा होगा, और 1,80,000 से 1,20,000 टेंगे तक में आ जाएगा। और इसके बाद, ये तो बस अपार्टमेंट का प्राइस हुआ। इफ़ बात किया जाए यूटिलिटी बिल तो यूटिलिटी बिल में आपको आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटिंग बिल, वाटर बिल, इंटरनेट, इसका कॉस्ट आपको आ जाएगा अराउंड 15-20K इन विंटर्स। जब फिर समर आएगा तो समर में यही प्राइस आपका घट के 10-15,000 हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका हीटिंग बिल नहीं आएगा। तो ये है अपार्टमेंट का। और अपार्टमेंट यहाँ पे खोजना, इफ़ आपको अपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे अपार्टमेंट कैसे खोजें। और आप इफ़ टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट के लिए भी आप booking.com से देख सकते हो, क्रीज़ा देख सकते हो, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, OLX कजाकिस्तान वो देख सकते हो, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट, अच्छा अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। ये तो हो गया लिविंग कॉस्ट, मतलब आपको अपार्टमेंट में रहने का प्राइसेस। इफ़ आपको ग्रोसरी प्राइसेस के बारे में जानना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रोसरी प्राइसेस इन कजाकिस्तान, हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल का प्राइस है। जैसे कि सेमी में $800 पर ईयर फ़ी है, वेस्ट कजाक में $400 पर ईयर फ़ी है, एंड कजाक नेशनल में $1,200 पर ईयर फ़ी है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट फ़ी है, तो आप जो कॉलेज चूज़ करें आप अपने अकॉर्डिंग देख ले किसका फ़ी सस्ता है। एक बात किया जाए हॉस्टल वर्सेस फ्लैट के बारे में, कौन बेटर है, तो फर्स्ट ईयर में मैं सजेस्ट करूँगा हॉस्टल में रहना। क्योंकि देखो, फर्स्ट ईयर में ऐसा है कि इफ़ आप फ्लैट में रहोगे तो आइसोलेट हो जाओगे, आपका दोस्त नहीं बन पाएगा। दोस्त तो बनेगा लेकिन आप ज़्यादा बच्चों से मिल नहीं पाओगे। हॉस्टल का एक और बेस्ट बात है, एक बार में आप पेमेंट कर दी हॉस्टल का लाइक $400 या $800 डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्टल प्राइस, तो आप फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल एंड गैस, वाटर, एवरीथिंग से आप इन सब प्राइसेस से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए भी हॉस्टल एक तरह से बेस्ट ही है, लेकिन आपको प्राइवेसी हॉस्टल में कम मिलता है कि एक रूम में 4-4 बंदे रह रहे हैं, तो वो आपको फर्स्ट ईयर एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले जब यूक्रेन गया तो मेरे रूम में भी 4 बंदे थे, फिर मैं 1 मंथ रहा हॉस्टल में, फिर एक एक करके जाता गया, उसके बाद फिर मैंने रूम चेंज किया, फिर 2 रूम वाले में गया। तो आप भी यहाँ भी ऐसे कर सकते हो कि आप 4 सीटर से 2nd सीटर जा सकते हो अब अपने दोस्त के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ आप
आपको कोई भी सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। और मीट यू सून नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।